दोस्तों पथरी की समस्या पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण हो जाती है। जब पित्त की थैली में पथरी बढ़ती है तो उस समय पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है और कई बार उल्टी भी आती है। रोगी को खाना पचने में दिक्कत होती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है और भी कई सारी समस्या होने लगती है। दोस्तों कई बार लोग डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो हमारे हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अपने दर्द और समस्या से उनको समाधान नहीं मिलता। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे कुछ अचूक घरेलू उपचार जिनका आप प्रयोग करके पित्त की थैली की पथरी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही घरेलू उपाय के बारे में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ साथ डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पित्त की थैली की पथरी निकालने के कौन कौन से अचूक उपाय हैं। नंबर एक, सेब का जूस और सेब का सिरका। दोस्तों सेब में पित्त की पथरी को गलाने की क्षमता होती है, लेकिन इसे जूस के रूप में सेब के सिरके के साथ लेने पर ही इसका फायदा मिलेगा। सेब में मौजूद मेलिक एसिड पथरी को गलाने में मदद करती है तथा सेब का सिरका लीवर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता। पथरी की वजह से जो लोग परेशान है उन्हें यह सलाह देना चाहता हूँ कि आप सेब का जूस और सेब का सिरका देना शुरू कर दे। दोस्तों किस तरह से इसे सेवन करना है। एक गिलास सेब के जूस में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाए और इस जूस को रोजाना एक दिन में कम से कम दो बार पीना है। नंबर दो, नाशपाती का जूस। दोस्तों आपने देखा होगा जो नाशपाती का जो आकार होता है वह बिल्कुल पित्त की थैली की तरह से मिलता जुलता होता है। तो नाशपाती में मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को बनने से और जमने से रोकता है। वैसे तो नाशपाती खाने के कई सारे फायदे है, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको काफी फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसे किस तरह सेवन करना है। एक गिलास गर्म पानी में आप एक गिलास नाशपाती का जूस ले लीजिए। अब इसमें दो चम्मच शहद मिला लीजिए। इसको कम से कम एक दिन में तीन बार पीते रहिए, आपको पित्त की पथरी से निजात मिलेगा। नंबर तीन, चुकंदर खीरा और गाजर का जूस। दोस्तों जूस थेरेपी को पित्त की थैली की इलाज के लिए घरेलू उपचार में सबसे ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। चुकंदर न केवल शरीर को मजबूती देता है बल्कि इसके साथ साथ आपके गॉल ब्लैडर को भी साफ रखता है, लीवर के कोलन को भी साफ करता है। अगर हम बात करें खीरे की तो उसमें मौजूद ज्यादा पानी की मात्रा लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों को डिटॉक्सिफाई करती है। गाजर की बात करें तो इसमें विटामिन सी होती है जिसमें उच्च पोषक तत्व के गुण होते हैं। तो दोस्तों इसे किस तरह सेवन करना है। एक चुकंदर, एक खीरा, चार गाजर को लेकर इसका जूस तैयार करिए। इस जूस को प्रतिदिन दो बार पीना है। प्रत्येक मात्रा में सामग्री बराबर होनी चाहिए। इसके लिए सब्जियां, फल के साइज के हिसाब से मात्रा घटा या बढ़ाई जा सकती है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपके गॉल ब्लैडर की पथरी के समस्या से छुटकारा मिलेगा। नंबर चार, पुदीना। दोस्तों पुदीना पाचन के हिसाब से सबसे अच्छी घरेलू औषधि मानी जाती है और ये आपके पित्तवाहिका पाचन से संबंधित अन्य रसों को भी बढ़ाती है। आप पुदीने की चटनी बना सकते हैं या फिर पुदीने की पत्तियां की चाय पी सकते हैं। दोस्तों इसे सेवन किस तरह करना है। पानी को गर्म करिए और इसमें आप कुछ पुदीने की पत्तियां डाल सकते हैं। उसको उबालिए जब तक ये हल्का हल्का गुनगुना रहे। इसको छान लीजिए और शहद मिलाकर इसका सेवन करिए। आप इस मिश्रण को चाय की तरह भी पी सकते हैं। आपको पथरी की समस्या से हमेशा छुटकारा मिलेगा। नंबर पाँच, खान पान में कुछ बदलाव। दोस्तों खान पान में कुछ बदलाव करने हैं, जैसे कम से कम 10-12 गिलास पानी पीना है, आपको प्यास नहीं है फिर भी आपको पानी पीना है, जंक फूड और तेज मसाले वाला खाना आपको नहीं खाना है, अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाना है, दिन भर में जितना ज्यादा संभव हो सके उतना विटामिन सी से भरपूर चीजें खाना है, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च और हींग को खाने में जरूर शामिल करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ पित्त की थैली की पथरी निकालने के अचूक घरेलू उपचार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में। भगवान करे आपका आज का दिन शुभ रहे।